सब्सक्राइब करें हरवली टेक्नो नॉलेज एंड इंटरटेन चैनल को और दबाएं बाजू की बेल आइकन की घंटी को जिससे पाएं हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो लेट्स बी स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल, आज आपके धरवली टेक्नो नॉलेज एंड इंटरटेन चैनल पर आपका फिर स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आए जो जॉब संबंधी है। ARRB रेलवे की जॉब है। आपको आज इसमें हम ग्रुप डी के बारे में बताएंगे। अभी आपका लोको पायलट का और टेक्नीशियन का वीडियो हमने दे दिया है, लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कैसे क्या गुता, सारी चीज़ें हमने डिटेल दे दी है। और उसके बाद हम आज आपके लिए ग्रुप डी संबंधी लेकर वीडियो हैं, इसमें क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और कौन कौन सी पोस्ट किसके लिए, आप पूरी तरह से इसकी पूरी सारी डिटेल ले सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, नहीं कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम अपने कमेंट बॉक्स सॉरी क्रोम ब्राउज़र या ब्राउज़र को ओपन करेंगे। उसके बाद हमें इंटर करना है सबसे पहले अपने गूगल में। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों हमें अपने हम यहाँ इंटर कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इसको इंटर करने पर आपका कुछ उसको आपको ओपन करना है, सरकारी रिजल्ट पे ओके कर देना है। तो सबसे ऊपर लिंक आएगी सरकारी रिजल्ट, इसको ओपन करना है। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका ये पेज खुल गया sarkarirezult.com। इसमें आपका एक जेन्युइन जॉब दिए जाते हैं, सारे जॉब्स आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें आप आएंगे सबसे पहले लेटेस्ट जॉब, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं ये आपका लेटेस्ट जॉब है। इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे चीज़ें आपको, जैसा कि ये है ARRB का, हम ओपन किए इसको क्लिक करेंगे, ओपन होगा। यहाँ पर ARRB संबंधी सारी डिटेल्स आ गई जिसको हम दिखा रहे हैं। ये आपका थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ARRB से आपका क्या है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये आपका एप्लीकेशन जो है बिगिन हो गया है। कितनी तारीख को? 10, ये 10 को बिगिन हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद की लास्ट डेट 12/3 है, कहाँ है 12/3 है। आपको इसको चलान भी 12 को एडमिट कर देना है। इसका एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हो सकता है, होने की संभावना है और होगी भी। CBT एग्ज़ाम होगा, OBC और सभी के लिए 250 रुपये है। ये आपने देखा, इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड क्रेडिट का कोई भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आप इसको देखिएगा, यहाँ पर आपका ग्रुप सी पोस्ट नेम है, ग्रुप सी में क्या क्या आपका है ये ध्यान। उसके बाद एज लिमिट आपका 18 से है, आपका ध्यान रखिएगा 18 से लेकर के 31 तक है आपका, ये आपका एज लिमिट है। और एलिजिबिलिटी यानी योग्यता जिसको कहते हैं, ये आपका सबका अलग अलग है। यहाँ पर आप सभी चीज़ों को क्लिक करके, किसी पर भी क्लिक करके आप पता कर सकते हैं। जैसा कि आपको देख रहे हैं अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, सिकंदराबाद रीजन। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जिस भी आप रीजन में डालना चाहे इसको आप डाल सकते हैं। किसी ध्यान रखिएगा, आपको एक ही रीजन में डालना है। अगर आप दो रीजन में डालेंगे तो आप समझ लीजिए गलती कर गए। आपको एक ही रीजन सेलेक्ट करना है, ध्यान में रखिएगा, एक रीजन सेलेक्ट करना है, चाहिए कोई भी एक ही रीजन सेलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। और एक बात, आपको ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करना है। क्या आपको ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट हो जाए, ऑफलाइन नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक बात और कि आप पोस्ट इसमें आप 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए जो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो ऑप्शन आएगा, वो प्रेफरेंस आप कर सकते हैं, 1, 2, 3 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक बात अब आ गई आपको योग्यता की संबंधी वीडियो दे रहे हैं कि योग्यता क्या होगी, उसके लिए आपको योग्यता और सिलेबस संबंधी एक वीडियो और डालेंगे, पर आप इसमें थोड़ा सा डिटेल ले लीजिए। जैसा कि हम बता रहे हैं आपकी योग्यता होगी एक कुछ पोस्ट्स हैं इतनी, ITI होना चाहिए, उसके बाद आपका NAC होना चाहिए द्वारा ग्रांटेड। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इनमें से ही हेल्पर इलेक्ट्रीशियन ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, आपका NAC मतलब होता है कि आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप नहीं होता है, उसका सर्टिफिकेट, इसमें आपका चाहे ITI हो चाहे अप्रेंटिस, ये आपका इलेक्ट्रिकल्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, उसके बाद या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, ये ITI या अप्रेंटिस इसमें होना चाहिए, या तो आपका मैकेनिकल में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको देख रहे हैं, उनके इलेक्ट्रिकल के लिए ऐसे ऐसे सारी पोस्टें ये सब आपको हैं, उसके बाद आपका है। तो इसमें इंजीनियर जो भी इंजीनियरिंग से किया रहेगा वो इंजीनियरिंग से के लिए रहेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग से आपका अगर रहेगा NAC या फिर आपका ITI, तो इंजीनियरिंग के लिए आपको ये पोस्टें हैं, ध्यान में रखिए, इतनी पोस्टें आपको नज़र आ रही होंगी, इधर दिखाई दे रही है, ये इंजीनियरिंग के लिए है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए है, और हाई स्कूल या ITI खास उनके लिए। तो जैसा कि हम आपको बताएंगे, तो अलग रीजन से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि पोस्टें दी गई हैं आप देख सकते हैं, सारी जगह की पोस्टें यहाँ पर आपको निर्धारित की गई हैं, इतनी इतनी पोस्ट है, OBC जनरल ST वर्ग सभी के लिए अलग अलग पोस्टें आपको निर्धारित की गई है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि आपको कैसे कैसे एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी के लिए आप पूरी तरह से इसको देखिए, जैसा कि हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिकल जो ITI या NCA किया होगा, NAC किया होगा, अप्रेंटिस ITI जो भी इलेक्ट्रिकल में होगा या अप्रेंटिस किया होगा, तो इंजीनियरिंग का कोर्स कर इससे पोस्ट डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में किए होंगे इलेक्ट्रो में, और जो मैकेनिकल में किया होगा वो मैकेनिकल में डाल सकते हैं। ये देख लीजिए आपको ध्यान में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये आपका इतना इतना है इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ये सारी चीज़ें इतनी आपकी हैं। उसके बाद आपका कुछ पोस्टें हैं जिसमें आपको या तो हाई स्कूल होना चाहिए, या तो आपका उसमें ITI या अप्रेंटिसी हेल्पर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा हेल्पर, और ये आपका देख रहा होगा हॉस्पिटल अटेंडेंट मैन एंड गेट मैन, पोर्टर हैमर एंड स्वीपर कम पोर्टर, ये सारी चीज़ें आपको, ये दोनों मेडिकल के अंदर आ जाएंगी, ये दोनों पोस्टें मेडिकल के अंदर आ जाएंगी और ये ट्रैफिक के अंदर आएंगी तीनों, और इन सब के लिए आपका क्लास 10th चाहे हो, चाहे ITI ओनली ITI हो, अप्रेंटिस हो, तब भी इन सारी पोस्टों को डाल सकता है। अगर उसका ओनली ITI है, हाई स्कूल ही किया हो, तब भी इन सारी पोस्ट को डाल सकता है, अप्रेंटिस किया हो तो केवल के लिए एक एक केवल एक किया हो तब भी डाल सकता है, बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको ITI या अप्रेंटिस दोनों में से एक हाई स्कूल साथ या तो अप्रेंटिस होना चाहिए या तो हाई स्कूल के साथ आपका ITI होना चाहिए, ये आपका इतना पोस्ट है उनके लिए, बाकी बच्चे प्रोसेस है। आगे आपका प्रोसेस यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको 35 किलोग्राम वेट के लिए दिया जाएगा, और जो लेकर के आपको उसको 100 मीटर कवर करना है 2 मिनट में, यहाँ पर आपका टाइम दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 100 मीटर टाइम दिया गया, और 1000 मीटर आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में कवर करना है, ये है मेल कैंडिडेट के लिए, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर आपका 20 का 1000 मीटर है वो आपको 5 मिनट में, उनका 5 और 40 सेकेंड में, सोचो आप मेल के लिए 4 मिनट फीमेल के लिए 5 मिनट, ये उनका है डिस्टेंस जो 1000 मीटर रनिंग करना है उसे, इस ये तो आपको फिजिकल में होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले आपका ये रिटर्न होगा, उसके बाद ध्यान में रखना है कि आपका क्या होगा, अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखिए
कि कोई भी चीज़ में से आपको अगर ना समझ में आए तो आप यहाँ पर आकर के ये अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, और जो भी कमेंट हो उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम वैसे भी आपको दे देंगे क्या क्या ज़रूरत है, कैसे सिलेबस को आप कुछ कुछ पार्ट भी ले करके आएंगे, बस आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और करिए, ठीक है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि आपको ये अप्लाई करना ज़रूर है, अगर आप हाई स्कूल कर चुके हैं तो अप्लाई करिए, 18 से 31 के आप तो होंगे ही, तो अप्लाई कर दीजिए, इसके लिए नो टेंशन। हाई स्कूल है तब भी, ITI है तब भी, अप्रेंटिस है तब भी, तो करिए ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें एक बात हम बताने जा रहे थे कि आपको अपने आप को रिटेन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। किसके लिए? रिटेन के लिए। आपका सबसे पहले रिटेन टेस्ट होगा, ध्यान में रखिए, एंड सेकेंड ये भी आपका CBT होगा, ध्यान में रखिए, CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एंड उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, ठीक है, फिर पेट में आपका फिजिकलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपको दिया गया है कितनी दौड़े। उसके बाद आपके लिए तीसरे नंबर पर है आपका DB है, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें आपका मेडिकल के रूप में मेडिकल डॉक्यूमेंट एंड सारे डॉक्यूमेंट आपके टेस्ट होंगे, चेक होंगे, वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको कहा जाता है, ये सारे काम आपकी भी सैलरी है, वो सैलरी स्टार्ट होगी। और इसमें आपका सैलरी से ज़्यादा तो मिलता है अलाउंसेस आपको सेलेक्ट करना है, जैसे भी पोस्ट रहेगी वैसे आपको अलाउंसेस मिलेगी, अलाउंसेस आपको बहुत मिलती है रेलवे में, ध्यान रखिएगा। दो वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, RRB संबंधी यदि इसकी सिलेबस और कौन सी बुक कैसे सारी इसकी वीडियो में बनाऊँ, बहुत जल्द जल्द डालते रहूँगा, बस आप इसकी और इसके जो और भी इसके पहले आपका 26,000 पोस्ट आई थी जो लोको पायलट की एंड टेक्नीशियन की, उसके बारे में वीडियो हमने बना दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। नहीं समझ में आता तो बताइएगा, ठीक है, अगर बताइएगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो में आपके लिए इतना ही लाए थे, अगली वीडियो में फिर हम लेकर जल्द से जल्द आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Darauli Techno Knowledge and Entertain presented by Santosh Babu. Please subscribe the channel.